सिद्धार्थनगर जिले के पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगाने के नाम पर पैसा मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है। पैसे मांगने वाले विभागीय बाबू की लिखित शिकायत जिले के पीआरडी जवानों के जिलाधिकारी से की है। जिलाधिकारी ने शिकायती पत्र को संज्ञान में लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी को जांच का आदेश दिए हैं। पीआरडी जवानों को ड्यूटी लगाने का नाम पर रुपये की मांग करने वाले ये वायरल ऑडियो वासुदेव नाम के ब्लॉक कमांडर जोगियों का बताया जा रहा है। अपने लिखित शिकायत में पीआरडी जवानों ने नर्मदा बड़े बाबू पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि आए दिन नर्मदा बाबू पीआरडी जवानों को परेशान करते रहते हैं और पैसे न देने की दशा में उन्हें दूसरे ब्लॉक में ड्यूटी लगाने या अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने की धमकी देते रहते हैं। पीआरडी जवानों के डीएम ने इसकी लिखित में शिकायत करते हुए उत्तक बाबू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि लिखित शिकायत पीआरडी जवानों के द्वारा प्राप्त हुई, जिसकी जांच में सीडीओ से कराई जा रही है। जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियमतुल्ला की रिपोर्ट। कहा जी है बात करके कार्यालय में, तो मतलब कितना मनी नहीं दिए रही कि मतलब देना है ये रही खर्चा वर्चा देकर तब का ड्यूटी कह पाई है दोनों प्लान हम जेब खर्चा। अरे हमारा खर्चा बच्चा मिली है। अरे कब तक उधार के लिए, मैंने उधार कर दिया, फिर वो मैंने उधार करी। अरे तो महीने में कहाँ है, मैयम दई दे भाई 12 रुपया। अरे तो मैयम दे दो 2 महीना के कथा दे देव साहब, 2 महीना का है। तो अप्रैल में ये करी थे फरवरी मरतुम तो 15 दिन ड्यूटी रहा। तो अप्रैल में पैसा, अप्रैल में पैसा कहाँ दे रहे हो जिनका? हाँ तो अप्रैल पैसा नहीं दिए हैं, अप्रैल पैसों में हम दिए 12-13 तारीख के आज। तो मैं तो देख पे नहीं, मैं जब लग जाए नहीं करो, मैं पहले लग रहा है यार भूसा उसका कमाएं कि कितना मिलवे किया रहा वो पेट्रोल उसको उसकी धार भरवा रहे हैं 7-8 हजार ऊपर हो रहा इसलिए कहाँ है 1.5 महीने को मापा है वो चुनावा का है एक वो चुनावा वाला पैसा मिला है तब भी वो भूसा उसे दिया है ना 17,900 रुपया अरे मुझे ठीक है। मेरा नाम गुलाम हुसैन है, मैं ब्लॉक जोगिया से पीआरडी जवान हूँ। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग आपका वायरल हो रहा है जिसमें आपसे कोई पैसा मांग रहा है, वो कौन है, किस बात का पैसा मांग रहा है? सर वो हमारे जोगिया ब्लॉक के ब्लॉक कमांडर हैं, वासुदेव नाम है, और वही पैसा हर महीने अगर मतलब ना दिया जाए तो ड्यूटी कहते हैं कि तुम्हारा डुमरियागंज लगा देंगे, इटवा लगा देंगे, बढ़नी भेज दिया जाएगा, और ज़्यादा ऐसा कुछ करोगे तो ड्यूटी से क्या पूरा विभाग से ही निकाल दिया जाएगा। अच्छा, तो ये किसके आदेश पे पैसा मांगते हैं आप? अब सर बड़े बाबू के आदेश पे मांगते होंगे सर। बड़े बाबू कौन? बड़े बाबू नर्मदा हैं, विकास भवन में ऑफिस में बैठते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि पैसा जो नहीं देगा या जो कोई ऐसा चीटिंग करेगा या लिखा पढ़ी करेगा तो उसको विभाग से ही निष्कासित कर दिया जाएगा और उसको ड्यूटी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो इसकी शिकायत आपने अपने विभाग में की थी? सर बहुत बार शिकायत हुआ सर, लेकिन शिकायत करता क्या करेगा सर, कुछ हो नहीं पाता है। जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री को लिखा गया है, सांसद महोदय को लिखा गया है। क्या नाम है? राम कुमार जायसवाल, ब्लॉक जोगिया, पीआरडी जवान है। अच्छा, आप लोग आज कलेक्ट्रेट आए हैं जी? जो पैसा नहीं देता सर उनका ड्यूटी नहीं लगता, और लगता भी है तो कहते हैं कि वहाँ डुमरियागंज भेज देंगे, लोटन भेज देंगे, और कहते हैं कि जो पैसा नहीं देगा उसका ड्यूटी भी नहीं लगाएंगे, और कहीं शिकायत करोगे तो अनुशासनहीनता दिखाएंगे, बाहर निकाल देंगे विभाग से। अच्छा, विभाग के कुछ नाम होगा जो ये नर्मदा बाबू कहते हैं कि
निकाल देंगे बाहर, शिकायत करोगे कहीं, हम शासनहीनता करोगे कहीं। तो ये हम लोग और 15-16 महीना हो गया हम लोग विद्युत विभाग में ड्यूटी किए हैं, आज तक पैसा नहीं मिला। ये सर डीएम साहब के यहाँ हैं एप्लीकेशन देने सर, यही जो प्रकरण चल रहा है, हम लोगों का ड्यूटी नहीं है, हम लोगों को ड्यूटी नहीं दिया जा रहा है। उनका ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है, इस संबंध में हमने जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उनको ये जांच सौंपी है, और अगर जांच में सत्यता पाई जाएगी और गलती पाई जाएगी उनकी, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे, और सुरियो साहब इसको पूरी तरह से जांच कर लेंगे कि इनकी ये भी शिकायत थी कि ड्यूटी जो है सही ढंग से नहीं दी जा रही है, उसकी भी जांच सीडीओ साहब कर लेंगे। सर जो ब्लॉक कमांडर है उनसे पैसा मांगने का भी आडियो वायरल किया, उसकी भी जांच के लिए हमने सारे प्रकरणों की जांच के लिए सीडीओ साहब को अधिकृत किया है, वो जांच कर लेंगे, और उसके तत्पश्चात जांच के बाद दोषी कर्मचारी हो या अधिकारी हो सबके ऊपर कार्रवाई होगी।